शंभू खनौरी बॉर्डर ते बैठे किसान फिलहाल अगे नहीं वधणगे, इह कहना किसान लीडर सरवण सिंह पंधेर दा। इन्हां मुताबक जदों तक सरकार रस्ता नहीं दिंदी ओह अगे नहीं वधणगे। आप पंचायते समर्थन दे रही उनका धन्यवाद। कल भी एक बड़ा जथा हमारे समर्थन में यहाँ पहुंच रहा है। अब 23वां दिन हो गया हमें यहाँ मोर्चा लगाए हुए, और इससे 5 दिन पहले बंद था ये बॉर्डर। तो हम मोदी सरकार जी से कहना चाहेंगे, दोनों फोरमों की रिक्वेस्ट ही होगी कि हमने तो निर्णय ले लिया कि हम इन बॉर्डरों पर बैठेंगे, तब तक बैठेंगे जब तक आप रास्ता खुला नहीं देते, ठीक है। तब फिर दिल्ली का घेरा क्यों है? दिल्ली के व्यापारियों को आप क्यों तंग कर रहे हैं? दिल्ली के लोगों को आप क्यों तंग कर रहे हैं? हम तो आपसे 200-250 किलोमीटर पीछे बैठे हैं, और हमारा निर्णय भी होगा जब तक आप रास्ता नहीं देंगे हम आगे बढ़ेंगे नहीं। तो अब कौन सी आपको शक्ति डरा रही है? आप किसानों के नाम पर कब तक दिल्ली वासियों को तंग करेंगे? वो छोड़ दे, हमने कल भी रास्ता नहीं रोका था, आज भी रास्ता नहीं रोका, और अब जब हम यहाँ बैठ गए, आपने 75,000 अर्धसैनिक फोर्स जो हरियाणा में लगाए इसलिए लगाए कि किसान आगे ना बढ़े, तो किसान तो बैठ गए बॉर्डरों पर। अब वो 75,000 फोर्स बाहर निकालिए, उसकी जरूरत क्या है? जो यहाँ इसके पीछे जो नाके हैं वो पूरे खोलिए, उसकी जरूरत भी नहीं है। तो मुझे लगता है अब केंद्र का, हरियाणा सरकार का चेहरा नंगा हमने कर दिया। ये किस तरह का जबर पंजाब और हरियाणा के ऊपर ढा रहे हैं, और अब तो केंद्र ने स्पष्ट कर दिया दिल्ली में पूरी तरह फोर्स लगा के भी ये आंदोलन पंजाब हरियाणा का नहीं है, हमने तो जाना नहीं था, ये देश भर के किसानों का। तो ये स्पष्टता होगी, और आने वाले समय में जब हम 10 का रेल रोको आंदोलन करेंगे 12 से 4 बजे तक, तो मोदी जी पूरी तरह देख लीजिएगा, ये देश भर में आंदोलन होता हुआ नजर आएगा। आप जहां जिन राज्यों में आपकी सरकार है आप पूरी तरह पीटेंगे किसान मजदूर को, फिर भी किसान अपने घरों से निकलेंगे, जहां तक पहुंच सकता वो पहुंचेंगे और आंदोलन करेंगे।